ये कहानी उस समय की है जिस वक्त बिहार के एक जिले में किराया ना देने का पंद्रपाठ चल रहा था, जिसे देखो वो किराया नहीं देना चाहता था। हर कोई अपने आप को बाहुबली समझने लगा था। ऐसे में कोई भी मसला बिना बंदूक के हल हो ही नहीं सकता था। ऐसे में सरकार ने मजबूरन इस जिले का नाम किरायापुर रख दिया। किरायापुर में हर कोई दबंग था। ऐसे में एक बाहुबली का नाम था गजोधर मिश्रा, जिसके पिछले 3 पुश्तों ने तिवारी खानदान का किराया अब तक नहीं लौटाया और बार बार किराया मांगने पर उन्हें लात और चूतों के अलावा और कुछ नहीं मिला। ये है भोला तिवारी, तिवारी खानदान का छोटा वारिस, जिसने आज तक कभी किराया मांगने की जरूरत नहीं की। आज अपने दादा के कहने पर पहली बार शायद किराया मांगा। नाम बाबूजी। चला चपाटी भोला तिवारी का दायां और बायां हाथ, लेकिन इसके होने ना होने से भोला तिवारी को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमसे ना हो पाई, तुम खाली साइकिल पे घूमो, दोस्तों साथ है खाली घूमो। वो ससुरा का जोधर ऊपर बैठ के 4 महीने से पैसा नहीं दिया है, कब लगा रहे तुम पैसा उसका? सूरा खून खोलेगा रे कि नहीं खोलेगा? जब तक हम आपका पैसा नहीं लेंगे भाऊजी, हम आपको अपना शक्ल नहीं दिखाएंगे। चला चला दिव्या, भैया जी कह रहे थे क्या ना कि आप है गोला तिवारी। क्या गोला तिवारी, तो आप पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब लगना चाहिए ना कि जा रहे लड़ने उड़ने के लिए, थोड़ा सा मतलब तैयार वर होके जाइए, समझ रहे हैं? पहली बार तो कुछ सही बात बोला है। काली शाम सया करते जी को बजरी, तुमसे मिलने कौन आया है? भाई निकल।
दुकानदार खोला रे। अरे गजोधार खोले कर है कौन? आओ रे भुलाल कदर इन काला सर पीट रहा है। ये है गजोधर मिश्रा जिसने आज तक अपनी तीन पुस्तों की तरह कभी भी तिवारियों का पैसा नहीं दिया। ये पहली बार है शायद इससे कोई पैसा मांगने के लिए आया। देखते हैं क्या ये पैसा देता है या तो जो पैसा मांगने आया है उसे क्या हालत होती है। क्या रे सर बड़ी चर्बी चढ़ रहे हैं? गोला भैया पैसा मांगने आया तुमसे, तुम जाते ऐड दिखा रहा है, दिखा बताइए भैया इसको। पागल हो, पहचानते नहीं हो हम कौन हैं? आपको नहीं मालूम हम कौन हैं? नीचे जाके जब अपना चेला से पैरा दबाएगा ना पूछिएगा हम कौन हैं। कर चलाई क्या बात बात कर रहा है रे? ना बताया रे, रुकी वो देखिए रे गजोधर, रे गजोधर, रे साला फुट फुट रे गजोधर। सुन पैसा दे रे, पैसा पैसा तो पैसा दो, पैसा दो रे, पैसा पैसा। बैठी 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 ये बैठे बैठे नहीं आया मैं यहाँ, तुरंत पैसा दो हमको भी समझा, पैसा चाहिए। दो मिनट बैठ 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 भाई का पानी नहीं है आधा भरल है ससुर के नाते। बड़ी मारी सोजिन भैया, कौन बोला था तुमको हीरो बनने के लिए? हैं अकेले चले गए थे? जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, सबका पैसा लेगा रे गोला तिवारी, और नहीं देगा ना रे तो देख रहे ना पेटो काट के किडनी निकाल के बेच देंगे। ना तो कहा रे हाँ? जो देख लेंगे जो नहीं दिया ना रे तो याद रखना। चल रहे चपेटी मेरा जूता फेंक ले दर, दिल छिंचा ले दर, मेरा जूता फेंक ले दर, दिल छिंचा ले दर। ओ हमसे पूछा वेदर आई लाइक द वेदर, ओ हमसे पूछा वेदर आई लाइक द वेदर। क्या बोला भैया, आज एकदम पानी पानी कर दिया एकदम, क्या बताएं एकदम जो बेइज्जती में किया। तो बाबूजी के इज्जत के कारण इसको छोड़ देना तो वहीं काट देता है। मारे देना चाहिए था भैया उसको, एक के बार में काम खत्म कर देते, पता भी चलता कि गोला तिवारी है कौन, एकदम मार देना चाहिए उसको भैया एकदम। एकदम सही है बोले तो कल ओकरा एकदम खत्म में कर देता है, कहे कि अभी नहीं खत्म किए ना तो बड़ी परेशान करेगा ऊपर, समझ रहे हो? जी भैया। हाँ भैया हम लोग थोड़ा विदेशी पी जाइए ना, बड़ी देसी पीते हैं खाली।
कल का सूरज उसका आखिरी सूरज होगा। गजोदर को मारने का दृढ़ लेने के बाद चेला चपाटी और भोला दोनों ही बेहोशी की निद्रा में ढेर हो गए। अब सुबह क्या होता है ये तो वहां पहुंचने के बाद ही मालूम पड़ेगा। क्या बोले थे हमको पूरा पैसा चाहिए आज जैसे भी दे रहे हैं ना भैया कहलम पैसा निकाल चल पैसा निकाल गलत बहुत गलत कर रहा है बहुत गलत कर रही है अबे हम पछताएंगे गलत कर रहे हैं आप ये बोल रहे हो बे छोड़िए इसको छोड़िए अब पछताएंगे बहुत पछताएंगे बड़ा गए हो कहां पे बेटा हम लोग दो हैं तुम अकेले कैसे हम गलती कर रहे हैं ओ तो गलती हम कर रहे हैं हाँ बेटा लग तो यही रहा है क्या का? का? ऐसा है ना ना आपके लिए तो फ्लैशबैक है ना जी दिखाते हैं इनको फ्लैशबैक का देखिए देखिए भैया नव्या रे ज्यादा लग गया
बड़ी लग गया भैया बस भैया। तो काहे ला ऐसा काम करते हो ना भैया ना आपसे ना आपसे गुंडा कर देते हैं ना। चुप चुप कोई तो भोला है ना वो तो लहीर के पाले है। तुम जाओ दूसरा के लात खाओ दूसरा के गाली खाओ अपने कभी आता है रे वो। जी भैया पतवा तो चाहिए। कब आया रे वो हैं हैं। देख अगर तोरा शांति से जी लगी हो तोरा तोरा ढंग से जीवन व्यतीत कर लगी हो तो हमारा तन नहीं गया। जी भैया जो आपसे आप बोले वही पहले हम बोलेंगे तुम बीच में नहीं बोलेगा। नहीं नहीं बोलेगा एकदम नहीं बोलेगा तुम। नहीं 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 बोलेगा। भोलवा के पल पल के खबर हमारा चाहिए। पक्का भैया पक्का। हाँ भोला के पल भर की खबर देंगे हर पल भर के ना पल पल के खबर चाहिए हमारा। पल पल की खबर देंगे भैया ना। हाँ 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 आज से तरफ नहीं हमारा तरफ तुम। जी जी भैया जो ओकरा जाके बोल दिया। जी जी भैया। देखे यही कर चला तुमसे यूं उम्मीद नहीं था रे तुम हमको धोखा दिए रे। कहा की जगह भोला गया जान की बात है एकदम। अरे तुमको रोड से ना लेके आए थे रे तुम मेरा भाई में जैसा था रे तुम हमको धोखा दिया। ए बहुत तरह से मेरा बंदू का चला कहा करेगा अब जो आप बड़ी मालिक है ना। बड़ी दिन से आपको पहले के मन था। थैंक यू भैया हमारा चश्मा नहीं नहीं मारिएगा चल रहे शिवराज ये भैया बहुत हमको लग ये रहा था कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा। अरे बाबूजी ले लेते उससे पैसा लेकिन वो कहावत सुने हो आम चाहे जितना भी बड़ा हो जाए रहता डाल के नीचे ही है। बोला था कि जाए दो हमको सुनवे ना किए अब पछता रहे हो ना। चलो अब रह दो। अरे गजोधर बाबूजी की नजर में तुम हमको गिरा दिया ना रे अब देखो हम तुमने साथ क्या करते हैं।